झोंपड़ी डाल ले, कोई कारीगर ले आ, यहां से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नामदेव जी वो धन लेकर बाजार में गए, पर बाजार में जाकर क्या देखते हैं, कुछ साधु भूखे बैठे हैं। यहां से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस धन का पदार्थ लाकर खाना बनाकर उन साधुओं को खिला दिया, जैसे गुरु नानक पातशाह ने किया था। यहां से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पिता ने 20 रुपए दिए, कोई व्यापार करके आ जिसमें बहुत लाभ हो। तो गुरु नानक पातशाह ने कहने लगे, इससे बड़ा लाभ कहाँ हो सकता है, नाम जपने वाले भूखे बैठे हैं, इन्हें खिला दो, लाभ ही लाभ है। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु। पर ये बात हर कोई कहाँ समझ सकता है। नामदेव जी ने भी यही किया, जितने पैसे थे माता ने दिए थे, भोजन खिला दिया साधुओं को और बैठ गए जाकर एकांत में नाम जपने। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। क्यों बैठ गए, जो जन तुम्हारी, जो जन तुम्हारी भगत करंते, जो जन तुम्हारी, जो जन तुम्हारी भगत करंते, इनके काज सवारता।